देख सकते हैं सामने बुद्धा टेम्पल। और वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बनारस के सारनाथ में और आप सब देख सकते हैं सामने बुद्धा टेम्पल। और अभी आप सबको ये शो कराने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों अभी हम भी यहाँ पर पहली बार आए हैं और आप सबको दिखाते हैं पास चलकर। तो अभी देखिए स्टैचू के पास चल रहे हैं और काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी चारा बना हुआ है। और आप इधर देख सकते हैं काफ़ी गजब का यहाँ पे एकदम डेकोरेट किया गया है और घास वगैरह देखिए काफ़ी बढ़िया लगाया गया है चारों तरफ। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं सामने स्टैचू है और कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही बड़ा है, 80 फीट की है और इसकी चौड़ाई है 9 फीट। तो चलिए दोस्तों अभी आप सबको दिखाते हैं और काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ का नज़ारा। और सामने देख सकते हैं चारों तरफ का वाइब्स काफ़ी प्यारा है। तो अभी हम और अमन भाई आए हैं यहाँ सामने देख सकते हैं, पर सामने देख सकते हैं यहाँ पर स्टैचू है, इसी के सामने जस्ट एक बड़ा सा कॉरिडोर है। तो चलिए देखते हैं अगर एंट्री होगी तो आप सबको दिखाएंगे। और अभी देखिए काफ़ी भीड़ हो चुकी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए काफ़ी स्कूल के बच्चे भी आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अभी अंदर और आप सबको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूज वगैरह सब निकाल देते हैं। तो चलिए अभी एंटर करते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लोर कर लिया है, चलिए दोस्तों अभी निकलते हैं सामने साइड एक और है, तो अभी नाम तो नहीं पता है, चलिए आप सबको वहीं पर डायरेक्ट दिखाते हैं। तो आप जैसे गेट के बाहर आते हैं तो सामने कुछ दुकानें लगती हैं, ये है कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं भगवान बुद्ध की नगरी और सामने जो गेट दिख रहा है यहीं पर उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं। और अभी हम लोग टिकट ले लिए हैं, एंट्री कर लिए हैं और देखिए यहाँ पे पर्यटक भी काफ़ी अच्छी तादाद में आ चुके हैं। और सामने अभी चलते हैं आप सबको दिखाते हैं और यहाँ का आप चारों तरफ का वाइब्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर मोदी सरकार और योगी सरकार ने काफ़ी बढ़िया काम किया है, यहाँ पर आप देखिए पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा मिला है यहाँ पर। और आप देखिए चारों तरफ आप ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये पुराने समय का है। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं। और ये जो सारे ईंट दिख रहे हैं ये पुराने हैं जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो चलिए दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अशोक स्तंभ के पास जो कि खंडित हो चुका है, अभी इसको एकदम चारों तरफ से कांच लगा कर पैक कर दिया गया है। और अभी आप सबको दिखाने वाले हैं यहाँ का जो कुछ खंडहर टाइप के मिले हैं। तो ये है यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, यहीं पर उन्होंने अपनी साधना वगैरह की थी। तो ये हैं कुछ स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। दोस्तों जो पुराने खुदाई के साथ जो मिले थे वहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हैं और सामने भी देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और पहले का स्ट्रक्चर कितना गजब का था। और सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर अशोक स्तंभ है जो कि टूट गया था, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं उसका म्यूजियम टाइप का बना दिए हैं, चारों तरफ से एकदम ढक दिए हैं। तो काफ़ी बढ़िया नज़ारा लग रहा है दोस्तों, और कैसा लगा आप सबको कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके पिलर्स थे जो छोटे छोटे, तो वो सारे चीज़ें हैं यहाँ पर। उस धर्मचक्र स्तूप के सामने आ चुके हैं, ये देखिए काफ़ी बड़ा है, ये ऊपर तक देखिए कितना बड़ा लग रहा है। और इधर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा एकदम बढ़िया से बनाया गया हुआ है।
कि यहाँ से स्तूप कितना बड़ा लग रहा है, पास से एकदम छोटा लग रहा होगा, तो कैमरे से आप जज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ऊंचा है। तो अभी देखिए, तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी नीचे आ चुके हैं और एकदम पास में आ गए हैं। कितना बढ़िया लग रहा है ये सारे स्ट्रक्चर, तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया नज़ारा लग रहा है, हम भी पहली बार आए हैं और बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए जो पिलर्स वगैरह थे, पिलर जैसे यहाँ पर बने हैं वो दीवार वगैरह हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सामने बाथ टब टाइप का है, कुआं जिसे बोलते हैं, ये सामने आप देख सकते हैं इधर। तो काफ़ी बढ़िया नज़ारा लग रहा है। और यहाँ पर ये देखिए एक और पिलर टाइप का बना है जिसे एंट्री होती है, एक पिलर इधर भी, इधर कुछ स्ट्रक्चर समझ में आ रहे हैं ये देखिए। और ये बड़ा सा गुंबद वगैरह था जिसमें मंदिर टाइप का नहीं होता है उस टाइप का था, काफ़ी बढ़िया लग रहा है इधर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है भगवान बुद्ध का साधना स्थल, यहीं पर वो अपनी साधना वगैरह करते थे।